सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं। अज असी अपने ट्रैक्टर उपर बैटरी कट ऑफ स्विच लगाउण जा रहे हां। नवें ट्रैक्टरां दे उपर एक बैटरी तो बाद एक मेन स्विच की तरह बैटरी कट ऑफ स्विच लग्या हुंदा, तां कि जेकर असी बैटरी का कनैक्शन कट्टना चाहिए तो असी उस स्विच तो असी बैटरी नूं डिसकनैक्ट कर सकते हैं। कहण दा भाव यह है कि उस तो बाद जो स्विच नूं आपां कट कर दिता उस तो बाद साढ़े ट्रैक्टर के उपर जो भी डैक लग्या होया जां कोई भी बड़ियां लाइटां लगियां होईयां वो ट्रैक्टर नूं जदों आपां खड़ा कर दिंदे हां और ज़्यादा दिन खड़ा रहिंदा तो किसी भी तरह की बैटरी जिहड़ी आ वह यूज़ नहीं हुंदी, उहदा बैटरी की जिहड़ी वोल्टेज आ वह डाउन नहीं हुंदी बैटरी, तो इहनूं भी बचाउंदा। तो दूसरी चीज़ है कि बहुत वधिया तरीके की एक सेफ्टी आ। सेफ्टी इस तरह है कि जिदा कोई तार स्पार्क हो जाती है या किसी तरीके शॉर्टेज हो जाती है ट्रैक्टर के उत्ते बैटरी नूं असी एकदम बैटरी बॉक्स नूं खोल के उहदे तों कनैक्शन कट्टण दे लई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जिहड़ा बैटरी कट ऑफ स्विच है उस तों तुसीं उसे वक्त ही उहनूं बंद कर सकते हैं। इस तरह का यह स्विच हुंदा, इहनूं बैटरी कट ऑफ स्विच कहिंदे आ। ये मिंडा कंपनी का बनया होया जी और ज़्यादातर मिंडा कंपनी का ही स्विच जिहड़ा है वह अलग अलग बड़े वहीकल जिदा ट्रकों बसों के लवी लग्या हुंदा और जिहड़े अजकल नवे ट्रैक्टर आ रहे उन्होंने उपर भी कईयों के उपर लग्या होया, जिवें कि सोनालिका के उपर मैं देखा है सोनालिका के जिहड़े वड्डे ट्रैक्टर आ उन्होंने उपर ये चीज़ लगी हुई आती है। वो थोड़ा जिहा इस तो अलग तरह का हुंदा लेकिन काम दोनों का सेम ही है। ये लगभग तीन तो चार किस्म के आते अलग अलग, तुसी देख के लेना कि ट्रैक्टर वास्ते जिहड़ा थोड़ा जिहा हैवी और मजबूत होना चाहिए। देखो जी ये तकरीबन मैं ऑनलाइन मंगाया सीगा तो यदि एम आर पी जिहड़ी 317 रुपए लिखी हुई है बॉक्स के उपर, तो मैनू यह लगभग 300 रुपए के करीब मैनू एमाजोन तो मिल गया सीगा। तुसी भी ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर तुहाडे लागे जो भी दुकान हैगी आ जिथे थोनों इलैक्ट्रीकल जिहड़े ऑटो इलैक्ट्रीकल का काम करते हैं गड्डिया की वायरिंग वगैरह या स्विचेज वगैरह बल्ब वगैरह मिलते हो उन्हां तों थानू ये चीज़ मिल जाएगी। देखो इस ते दो तरह के टर्मीनल बने हुए आ, दो टर्मीनल लगे आ, तो इस जो हैंडल डंडी लगी हुई है इनू घुमा दें जदों असी तो इस तो ही यह स्विच कट्टिया जाता है तो ये बाहर भी निकल जाता है, यानी कि तुम इनू बाहर कढ के रख भी सकते हो जिथे जिस तरह तुम घर में ट्रैक्टर नूं खड़ा करते हो तो यदि सेफ्टी भी हो जाती है कि कोई सैल्फ नहीं मार सकता ट्रैक्टर की। सो इहदा कनैक्शन इस तरह हुंदा है कि इहदे दो जिहड़े कनैक्टर लगे हुए आ, एक तुहाडा बैटरी का जो नैगेटिव लग्या होया हैगा उस नैगेटिव तो जिहड़ी तार आएगी तुहाडे ट्रैक्टर नूं पहला वो डिफॉल्ट जिहड़ी आ कंपनी वल्लों लगी हुंदी आ वो तुहाडे बैटरी के नैगेटिव तो ट्रैक्टर की बॉडी नूं लगी हुंदी आ चैसी नूं जो तुहाडा अर्थ लग्या हुंदा उस अर्थ ते ही तुसीं इहनूं लगाउणा आ, तो वह तुसीं अर्थ जिहड़ा आ उसी बॉडी दे नाल खोल लैणा तो बैटरी के कनैक्टर तो जो माइनस का नैगेटिव का जो अर्थ का पॉइंट हैगा उस तो जी वायर हैगी लगानी हैगी एक टर्मीनल तो दूसरी तार जी वो तुसी लगा देनी है दूसरे टर्मीनल में कनैक्ट कर देना ट्रैक्टर की चैसी के नाल ताकि थोड़ा अर्थ जोड़ा वह सर्किट पूरा हो जाए। तो यह कनैक्शन करन दे लई तुसी ख्याल रखना है कि इनू तार इदा लपेटना नहीं है, ये प्रॉपर तुसीं जिहड़े रिंग कनैक्टर जिस तरह के इस ओरिजिनल तार नूं देखो लगे हुंदा ये बैटरी नूं लगन वाला कनैक्टर आ और इहनूं रिंग कनैक्टर कहिंदे आ टर्मीनल कनैक्टर, ये चीज़ लगी हुई है तुसीं इहनूं असीं आम भाषा च थिंबल कह दिंदे आ, तो ये वधिया क्वालिटी की थिंबल तुसीं जरूर वरतनी है किसी भी तरह तार नूं इदां लपेट के नहीं यूज़ करना उहदे नाल तुहाडा जिहड़ा अर्थ है वह पूरा नहीं मिलेगा। सो ये एक तो जी तार ओरिजिनल हैगी है यही काम आ जाएगी और दूसरे टोटा जोड़ा वो थानू एक तार लेनी पेगी जिस तरह मैं कबाड़ के बैटरी की तार ली सी ये ओरिजिनल तार हैगी है सोनालिका ट्रैक्टर की, जिनी मोटी थोड़ी ओरिजिनल तार हैगी है तुसी उन्नी मोटी ही तार यूज़ करनी है उस तो पतली तार बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, किसी गड्डी की तार यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी वो थोड़ी पतली होंगी है
इनू इंस्टॉल करना तुसी इस जगह पर इदा की जगह के उत्ते ट्रैक्टर दे इंस्टॉल करना जिथों तुसी बिना हुड खोले तुसी डायरैक्ट एकदम ये तक पहुँच सकते हो उस जगह पर लाने का इहदा ज़्यादा फायदा आ। इनू हुड के अंदर इंस्टॉल ना करो क्योंकि कोई गड़बड़ होने पर सब तो पहले तुहानू हुड खोलनी पेगी उस तो बाद तुसी इहदे तक पहुँच सकते हो फिर वो चीज़ का सेफ्टी का थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लग जाता और कई बार हो सकता असी हुड ना खोल सकी जिदा ट्रैक्टर में किसी वजह के नाल स्पार्क नाल अग लग जाए कोई होर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाता तो तुसी इदा की जगह इनू इंस्टॉल करना कि तुसी बाहरों ही इनू हाथ पा के इनू तुसी जिहड़ा स्विच कट सको और कोशिश करो कि बैटरी के नेड़े तेड़े ही इनू इंस्टॉल करो जिथे बैटरी थोड़ी लगी हुई है वो नेड़े तेड़े किसी तरह की कोई ब्रैकेट बना लो जिस तरह कि मैं थोड़ा दसागा। मैं ये वास्ते ये ब्रैकेट एक बनाई है इनू ट्रैक्टर के उत्ते मैं जो पहला कितने वेल्ड कर देव तो दिखाऊंगा मैं किस तरह के नाल मैं वेल्ड किया है। ये देखो इस तरीके दे नाल फिट हो चुके है। ये वायर जिहड़ी आ ये बॉडी दे नाल कनैक्ट हैगी आ इहदी चैसी दे नाल और इनू एक टर्मिनल नाल जोड़िया तो दूसरी जिहड़ी तार हैगी आ बैटरी तो आउंदी हैगी नैगेटिव वो इहदे दूसरे कनैक्टर दे नाल जुड़ी है। ये देखो इन्ना दूर ये रख्या होया ये आपां जिहड़ी ब्रैकेट बनाई सी उहनू असीं पिछे एंगल दे नाल वेल्ड कर दित्ता पूरी तरह मजबूत है।